टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, आप सभी को रिपब्लिक डे का हार्दिक शुभेच्छा। आज मैं लेकर आई हूँ सर्दियों में खाया जाने वाला पॉपुलर तिल गुड़ रेसिपी, जो संक्रांति और माघ महीने में खाया जाता है। तो आइए हम बनाने स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे तिल ले ली हूँ और केमिकल फ्री गुड़, नारियल और काजू, और चाहिए मुझे दूध। ये काजू आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते। तो आइए हम बनाने चालू कर देते हैं। तो पहले मैं तिल को थोड़ा भून लेती हूँ। ज्यादा भूनना नहीं है, इसको सिर्फ चटकने देना है। तिल का चटकना चालू हो गया है। तिल को मैं निकाल लेती हूँ। तिल मैंने निकाल ली हूँ, अब नारियल को फ्राई कर लेती हूँ। ये सूखा वाला खोपरा है। अब नारियल भी फ्राई हो चुका है, अब इसको भी निकाल लेती हूँ। अब इसी कढ़ाई में मैं दूध ले लेती हूँ। और दूध को 20-25 मिनट तक हम चला के गाढ़ा कर लेंगे। दूध को मैं लो फ्लेम में होने देती हूँ, तब तक मैं तिल और नारियल को मिक्स में दरदरा पीस लेती हूँ। तो पहले मैं नारियल को पीस लेती हूँ। ऐसा दरदरा नारियल पीसना है। तो मेरा नारियल पीसना हो चुका, अब मैं तिल को भी दरदरा पीस लेती हूँ। ये देखिए दूध ठीक हो चुका है। इसको और थोड़ा ठीक करना है। आप दूध के जगह मेवा भी ले सकते हैं, तो मेवा भी भून लीजिए 2 चम्मच दूध मिला के। अब ये देखिए दूध ठीक हो चुका है। अब इसी टाइम में मैं डाल देती हूँ गुड़। ये ऑलमोस्ट 300 ग्राम गुड़ है। अब इसको अच्छे से मिला के झाग आने देते हैं। ये दूध में झाग आ चुका है। अब इसमें मैं डाल देती हूँ पिसी हुई इलायची और 1 टीस्पून देसी घी। झाग आ चुका है। अब ये दरदरा पिसी हुई तिल डाल देती हूँ।
और नारियल, काजू, और ये थोड़ा सा साई का तिल। अब अच्छे से मिला लेती हूँ। इस सभी चीजों को मैं मिला लिया अच्छे से। अब गैस को मैं बंद कर देती हूँ और इसको हम ठंडा होने देते हैं, फिर लड्डू बनाएंगे। ये तिल गुड़ मेरा ठंडा हो चुका है, अब इसको लड्डू बना लेते हैं। तो पहले हाथ में थोड़ा घी डाल के हाथ को ग्रीस कर लेती हूँ, ये तो हाथ में चिपक जाएगा। अब इस तरह ऐसे लड्डू बनाना है। ये मेरा तिल गुड़ लड्डू बनकर रेडी हो चुका है। आप लोग घर पे बनाइए, खाइए और हमें कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए पॉपी शाही किचन।